गुड मॉर्निंग माई लवली स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एडिशंस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये क्लास सेकंड की वीडियो है, क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स हैं वो एडिशंस में आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो एडिशन का ही है क्लास सेकंड में। तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट से ये बोलता हूँ कि मेरी जो वीडियो है उसको लाइक करें, और जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बजाकर उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हम सबसे पहले एडिशंस की बात करेंगे। ठीक है, एडिशन की एक्सरसाइज 1.1 हमारी दे रखी है, उसमें मैं आपको जब एडिशंस के बारे में बताऊंगा तो देखो पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा 504195। ठीक है, हमें इसको किस तरीके से ऐड करना होगा। ऐड की सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना होता है ऐड को। जब ऐड करते हैं तो 4 और 5 कितना हो गया हमारा 9, ठीक, और 0 और 9 कितना हो गया हमारा, वो भी 9 हो गया, और 5 और 1 कितना हो गया हमारा 6। तो ये क्या हो गया आपका एडिशंस का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे, बी वाले की, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे। 6 और 3 हमारा 9 हो गया, ठीक, और 6 और 1 हमारा 7 हो गया, और 6 और 2 हमारा 8 हो गया। क्लियर एवरीवन? ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट की बात हम करेंगे, 5 और 2 हमारा कितना हो गया 7, ठीक, 7 हमारा यहाँ पर आ गया, लिख रहे देखिए। ठीक, सी क्वेश्चन है हमारा 715 और 262। ठीक, सब लोग इधर कॉन्सेंट्रेट करें इस वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि एडिशन एक ऐसी चीज है कि जब तक इट्स अ बेस ऑफ मैथ्स, क्या है, बेस है। अगर हमको एडिशन, मल्टीप्लाई, या फिर हमें जो है डिवाइड या फिर माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन अगर हमें नहीं आता है तो हम आगे की मैथ्स को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लिसन, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। तो 5 और 2 कितना होता है हमारा 7, हमने यहाँ पे 7 कर दिया। 1 और 6 कितना हो गया हमारा बेटा, 1 और 6 हो गया हमारा, वो भी 7 हो गया, ठीक, और 7 और 2 कितना हो गया हमारा 9, ठीक, यहाँ पर 9 आ गया हमारा। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी आपको मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करेंगे। 4 और 3 कितना होता है हमारा, 4 और 3 7 हो गया। क्लियर एवरीवन? अब 8 और 0 कितना हो गया हमारा, यहाँ पर 8 ही आएगा, और 2 और 4 कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 6 आएगा। ये आपका डी क्वेश्चन भी हो गया। अब बात करेंगे ई, क्वेश्चन नंबर ई की। 5 और 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा, और जब 0 में हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा जो आएगा यहाँ पर क्या आएगा, 0 में 7 प्लस करेंगे तो 7 आपका यहाँ पर, और 5 और 4 कितना हो गया हमारा 9। क्लियर एवरीवन? तो 9 आपका यहाँ पर आ गया। अब 8888 आपका ये दे रखा है, और 100 ये दे रखा है। ये कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आपका एफ, क्योंकि इसके बाद मैं आपको फिर वर्ड्स प्रॉब्लम सिखाऊंगा। वर्ड्स प्रॉब्लम मतलब जो एडिशंस की वर्ड्स प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हमारे कि उनको वर्ड्स प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि ऐसा होता है कि वर्ड्स प्रॉब्लम सेकंड क्लास के लिए कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होती है। लिसन, सेकंड क्लास के लिए कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होती है, लेकिन आप टेंशन ना लें, मैं आपको वर्ड्स प्रॉब्लम बताऊंगा इस क्वेश्चन के बाद। तो आपका क्वेश्चन नंबर एफ मैं करा देता हूँ। 8 और 0 में जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आ गया, फिर हमारे पास 8 आ गया, और 8 और 1 में हम प्लस करेंगे तो 9 हमारे पास, समझ में आ रही बात? तो कितना हो गया ये 988। क्लियर एवरीवन? नाउ अब हम बात करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम की। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हर एक स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं कर पाता विदाउट टीचर्स हेल्प। ठीक है, अगर जब तक आप टीचर्स की हेल्प लोगे तभी आप वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, बिकॉज दैट उसका रीजन है कि सेकंड क्लास में आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं हूं आपके साथ, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम का, देयर आर 25 गर्ल्स, यानी कि 25 लड़कियां, एंड 32 बॉयज, और 32 बॉयज इन अ क्लास, काय में, क्लास में, समझ में आ रही बात? एक क्लास में 25 गर्ल्स है और 32 बॉयज है। ठीक, जैसे कि आप लोगों का क्लास है, आप लोगों का सेकंड क्लास में मान लीजिए, तो सेकंड क्लास में हमने 25 गर्ल्स बिठा रखी है और 32 बॉयज बिठा रखे हैं। ठीक है, अब वो आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी, मतलब कितने स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास इन ऑल, यानी कि गर्ल्स को और बॉयज को मिलाकर दोनों स्टूडेंट्स कितने बैठेंगे उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहां पर गर्ल्स, कि गर्ल्स हमारी जो है वो कितनी है, 25 गर्ल्स हमारी। फिर उसके बाद लिख लेंगे हम बॉयज, बॉयज हमारे कितने दे रखे हैं, 32, वेरी गुड, तो 32 हम यहां पे लिख लेंगे। फिर उसका टोटल कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा,
टोटल, इजीली एक लैंग्वेज में और इजीली तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अब 5 और 2 कितना होता है हमारा 7, सबको पता है ठीक, तो 7 हमारा यहां पर आ गया। 2 और 3 कितना होता है हमारा, वो होता है 5, कितना होता है 5। तो हम गर्ल्स 25, बॉयज 32 और टोटल कितना बैठ रहा है हमारा 57, क्यों, क्योंकि ये पूरे क्लास का टोटल निकल कर आया कि पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो पूरे क्लास में स्टूडेंट है हमारे 57 स्टूडेंट है। क्लियर, लिसन टू मी एवरीवन। अब मैं आपको वर्ड्स प्रॉब्लम का सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा। ये वर्ड्स प्रॉब्लम हम एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो पहले मेरी बात पे कॉन्सेंट्रेट करें, मेरी फिंगर पे ध्यान दें सभी सभी स्टूडेंट। इन अ गार्डन, यानी कि गार्डन है, गार्डन सब जानते हैं गार्डन क्या होता है, गार्डन के अंदर देयर आर 140 रोज, यानी कि उस गार्डन के अंदर 140 रोज है, रोज मतलब गुलाब एंड प्लांट्स एंड 32, और जो प्लांट्स जो मतलब रोज प्लांट जो है 140 है, और 52 जैस्मिन, उन प्लांट्स में जो है 52 जैस्मिन्स हैं, जैस्मिन प्लांट्स हैं। हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन ऑल, तो उस गार्डन के अंदर कितने प्लांट्स इकट्ठे हो गए, समझ में आ गए, कितने होंगे टोटल मिलाकर, यानी कि रोज को भी और जैस्मिन को भी। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे रोज की वैल्यू कि रोज कितने हैं उसमें, रोज है हमारे 140, क्लियर एवरीवन। अब फिर हम लिख लेंगे जैस्मिन, जैस्मिन कितनी है हमारी, जैस्मिन है बेटा हमारी 52, कितनी है 52। तो हम जब बात करेंगे 140 और 52 तो 52 करेंगे। अब हमें क्या बताना है कि वर्ड्स प्रॉब्लम में यहां पर ऐड कैसे होगा या प्लस कैसे होगा। हाउ मेनी प्लांट्स, यानी कि कितने प्लांट्स आर देयर इन ऑल, सब प्लांट्स मिलाकर कितने हैं, तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो एडिशन लगा देंगे, 0 और 2 कितना हो गया हमारा 2, तो 2 लिख दिया हमारे, हमने 4 और 5 कितना हो गया हमारा 9, 9 आपका यहां पर आ गया, 1 आपका यहां पर आ गया, तो ये क्या हो गया, पूरा टोटल निकल कर आ गया। टोटल किसका निकल कर आ गया, गार्डन का टोटल निकल कर आ गया। अरे बात समझ में, कि गार्डन में 192 प्लांट्स यानी के है, अरे बात समझ में, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अभी तक मैंने आपको एडिशन सिखाया, सिंपल वाला एडिशन, अब मैंने आपको दो वर्ड्स प्रॉब्लम सिखा दी, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा थर्ड वाली, थर्ड क्वेश्चन। अब ये थर्ड क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्या है डिफिकल्ट, वो किस तरीके से डिफिकल्ट है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको जो एडिशन कराई थी वो दो एडिशंस कराई थी, डबल एडिशंस। अब ये एडिशंस क्या है, ट्रिपल एडिशंस में है, आ रही बात समझ में। तो जब मैं ट्रिपल एडिशंस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, अ शॉपकीपर, शॉपकीपर आप सब जानते हैं, एक दुकानदार होता है उसको हम शॉपकीपर बोलते हैं। सोल्ड 120 बोटल्स, वो क्या करता है, 120 बोटल्स को खरीद बेचता है, ठीक है, ऑफ पेप्सी, पेप्सी की, ठीक, 80 बोटल्स ऑफ थम्सअप, 80 बोटल्स वो थम्सअप की बेचता है। अब पेप्सी और थम्सअप आप सब जानते होंगे क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स होती है, वो नॉर्मली सब लोग पीते हैं उसको, ठीक है। एंड 65 बोटल्स ऑफ लिम्का, वो 65 बोटल्स जो है लिम्का की बेचता है। हाउ मेनी बोटल्स डिड ही सेल इन ऑल, तो वो कितनी बोटल्स सेल करेगा इन सबको मिलाकर, सेल मतलब बेचना, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले हम ले लेंगे बॉटल ऑफ पेप्सी, ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर बॉटल ऑफ पेप्सी, वो कितनी दे रखी है हमारी 120, क्लियर एवरीवन। अब बात करेंगे हम बॉटल ऑफ थम्सअप, तो वो कितनी दे रखी है हमारी 65, क्लियर एवरीवन, कितनी दे रखी है 65। अब बात करेंगे हम बॉटल ऑफ लिम्का, बॉटल ऑफ लिम्का, वो कितनी दे रखी है हमारी, कितनी दे रखी है 60, वो कितनी दे रखी है हमारी। तो बेटा मैंने बताया था आपको कि बॉटल ऑफ थम्सअप हमारा जो दे रखा है 65 दे रखा है। अब बात करेंगे हम बॉटल ऑफ लिम्का, तो हम यहां पर दे रखते हैं 80 बॉटल्स ऑफ लिम्का, समझ में आ रही बात, तो यहां पर हम लिख देंगे 80, क्लियर। अब बात जब यहां पर इतनी आ गई कि हाउ मेनी बॉटल्स डिड ही सेल इन ऑल, यानी कि कितनी बॉटल्स बिकी, तो हम यहां पर क्या करेंगे, जाहिर सी बात है एडिशंस हो रहा है, एडिशंस के बारे में बात करेंगे। अब यहां पर हमारा क्या दे रखा है, 0, 5 और एक 5 आपका यहां पर दे रखा है, ठीक है, और 2 और 6 कितना होता है हमारा 8 होता है, बात सब लोग जानते हैं, और 8+8 कितना होता है हमारा 16, 16 का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 1 कैरी ऊपर लग जाएगा, यहां पर हम एक कैरी लगा देंगे 1 और 1 और एक 2 आपका, क्लियर एवरीवन, क्लियर, ठीक। अब इसमें क्या करना है, हमारे पास ये आ गया कि टोटल बॉटल्स जो थी उस शॉपकीपर ने
265 बॉटल्स बेची, कितनी बॉटल्स बेची, 265 बॉटल्स, ठीक है। अब जब 265 बॉटल्स बेची तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन हमारा यहां पर सॉल्व हो गया। अब मैं थोड़ी सी बात आपको एक बार और बताऊंगा कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं अपने कमेंट्स में, और बताने के बाद मैं वो कमेंट्स रीड करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपनी वो कमेंट्स में मैं आपको उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। अब मैं इसके बाद, आज मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, आज मैंने पढ़ाया आपको क्या बोलते हैं एडिशंस पढ़ाया, एडिशंस की वर्ड्स प्रॉब्लम सिखाई। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा आपकी सेकंड क्लास की, वो मैं ये बनाऊंगा कि आपको जो है सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा, सब्ट्रैक्शन के साथ आपको सब्ट्रैक्शन के वर्ड्स प्रॉब्लम बताऊंगा। क्लियर एवरीवन?